नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। जबलपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत उफनाती नर्मदा नदी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में जबलपुर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने भी उफनाती नर्मदा नदी में 10 किलोमीटर तक तैरकर तिरंगा यात्रा पूरी की। चुलहरी घाट तैराकी संघ द्वारा आयोजित अखंड भारत संकल्प तिरंगा यात्रा में तकरीबन 200 तैराकों और अन्य लोगों ने भाग लिया। गौरी घाट के जुलहरी घाट से तिलवारा घाट तक निकली तिरंगा यात्रा को देखकर लोग भी हैरत में आ गए। उफनती नदी में तैरकर यात्रा पूरी करने वाले जबलपुर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के हौसले को देखकर लोगों ने उनके हौसले की तारीफ की। नर्मदा नदी में निकाली गई 10 किलोमीटर दूरी की इस तिरंगा यात्रा को तैराकों ने लगभग 1 घंटे 30 मिनट पर पूरा किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जागरूक करना था। आज़ादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश भर में आज़ादी की धूम मची हुई है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है। और यहाँ की हमारी जबलपुर की जिलेरी घाट का टीम तो है ना, हर साल आई थिंक पिछले 14 ईयर्स से लगातार है ना तिरंगा अभियान 15 अगस्त के ना पूर्व दिन पे ना मतलब करते आ रहे हैं। आज ये बहुत ही और स्पेशल डे है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है। मतलब ये पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जिलेरी घाट से लेकर आई थिंक तिलवारा घाट तक है ना ये लोग तिरंगा यात्रा नर्मदा नदी में ना करेंगे। ये नर्मदा माँ का भी सम्मान है और हमारी भारत माँ का भी सम्मान है। खुशी की माहौल है। आप सभी से अपील करता हूँ कि ये हर घर तिरंगा अभियान है, इसका संदेश ना दे रही है ये यात्रा, उसको सफल बनाने में सभी लोग सहयोग करें। ऐसी खबर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।